दोस्तों, जापान और इंडिया दोनों ही हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब तक जो जापान पूरी तरह यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के सिक्योरिटी पर डिपेंड रहता था, लेकिन अब वो खुद का भी सेल्फ डिफेंस बनाने के लिए आगे निकल कर आ रहा है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं इंडिया नॉलेज शो। दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है कि जापान और इंडिया दोनों अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं। हाइपरसोनिक की मिसाइल की जो स्पीड होती है तकरीबन तकरीबन हवा से आवाज़ की ध्वनि से 5 से 6 गुना ज़्यादा होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के पास हाइपरसोनिक जो मिसाइल का सिस्टम है, जो वो काम कर रहे थे बैकग्राउंड में, ऐसा बताया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि इंडिया ने कुछ टेस्ट किए हैं। हालांकि अभी जापान ने शुरुआत ही किया है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर चाइना को टैकल करने के लिए दोनों कंट्री आपस में मिलकर काम करें इस हाइपरसोनिक मिसाइल पर। क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जिस तरह चाइना का इंटरफेयर हमारे समुद्री सीमा में बढ़ रहा है और वो हर जगह कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता रहता है, उसको देखते हुए जापान इंडिया एक साथ आ सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और किसके किसके पास पूरे वर्ल्ड में है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। दोस्तों, अमेरिका की जो कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसके रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका डेवलप कर रहा है हाइपरसोनिक व्हीकल जिसका नाम है फाल्कन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी व्हीकल 2, जिसे बताया जा रहा है कि साउंड के से 20 गुना की ज़्यादा की स्पीड से ट्रेवल करेगा। और बात करते हैं चाइना की। दोस्तों, चाइना अभी खुद डेवलप कर रहा है, किया नहीं, अभी कर रहा है, जिस सिस्टम का नाम है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और एक दूसरा नाम है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल DFJF। अभी इनका दावा है कि साउंड के 10 गुना के से स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। और दोस्तों, अभी चाइना यूएस अभी डेवलप कर रहे किए नहीं, लेकिन सबसे पहले नंबर पे है रसिया। उसने डेवलप करके अपने आर्मी के अंदर शामिल भी कर लिया है। पिछले साल ही ये रिपोर्ट आई थी, उन्होंने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया जिसका नाम है ओवन गार्ड। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंडिया और जापान क्यों साथ आ सकते हैं। देखिए, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है क्योंकि इंडिया ने इसका एक व्हीकल का टेस्ट कर लिया है जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, और जापान अभी काम कर रहा है। जापान के पास पैसे है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, दोनों मिलकर साथ काम करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि सेकेंड कंट्री इंडिया और जापान ही हो जो हाइपरसोनिक बनाकर पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।